चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। सिक्स, के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के टू एक्स प्लस के माइनस वन प्लस टू बराबर जीरो के मूल वास्तविक तथा समान है। यानी एक दी गया समीकरण के लिए मूल वास्तविक और समान कब होते हैं वो आपको शर्त पता है, तो आप इजीली के का मान है वो ला सकते हैं। तो उसके लिए शर्त होती है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर क्या होना चाहिए, जीरो। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये दीघा समीकरण है उसको एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये अव्यवस्थित है। तो पहले मैं इसको हल करके एक दीघा समीकरण बनाता हूँ। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस के ब्रैकेट के अंदर है दो एक्स प्लस के माइनस एक प्लस दो बराबर जीरो। एक दीघा समीकरण का जो व्यापक रूप है वो क्या होता है, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। यानी सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणक होना चाहिए, फिर एक्स और फिर अचर पद। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर तो दिख रहा है परंतु एक्स वाला पद नजर नहीं आ रहा और अचर पद भी अव्यवस्थित है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा एडजस्ट करता हूँ। तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर तो ऐसा का ऐसा, इस के का गुणा पहले इस पूरे ब्रैकेट के साथ होगा, तो दो एक्स का गुणा के से करेंगे तो क्या आएगा, दो के और एक्स। ठीक है, फिर प्लस इस के का गुणा इस के साथ होगा तो क्या आ जाएगा, के स्क्वायर। फिर k का गुणा ये माइनस वन से होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का k प्लस दो लास्ट में ऐसे के ऐसे बराबर जीरो। अब आपको ये पूरा एक दीघा समीकरण है वो नजर आ रहा है, देखिए एक्स स्क्वायर आ गया फिर x आ गया और पूरा यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये पूरा है वो अचर पद है। ठीक है, क्योंकि इसके साथ में कोई x वाला पद नहीं है। तो अब मैं आपको लिख के बताता हूँ कि मूल वास्तविक और समान कब होते हैं, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या होना चाहिए, जीरो। तो यहाँ लिखना है कि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान होने की शर्त, होने की शर्त क्या है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या होना चाहिए, जीरो। अब बी स्क्वायर क्या होता है, देखिए बी क्या है, एक्स का गुणांक, क्योंकि वापस मैं आपको लिख के बताता हूँ। देखिए एक दीघा समीकरण क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। अब देखो एक्स स्क्वायर के जो आगे है वो ए है, एक्स के आगे है वो क्या है, बी, और अचर पद क्या है, सी। तो यहाँ पे बी स्क्वायर लिखना है मुझे, तो बी है वो क्या है, देखिए एक्स का गुणांक यानी टू के, ये पूरा हो जाएगा बी। तो यहाँ लिख लेता हूँ दो के का स्क्वायर, फिर माइनस फोर, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो देखिए यहाँ पे कोई नहीं है इसका मतलब एक है, तो एक लिखना पड़ेगा। फिर सी, सी यानी अचर पद, देखिए जिसके साथ में एक्स कोई एक्स नहीं हो, तो के स्क्वायर माइनस के प्लस दो बराबर जीरो पूरा होगा। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं के स्क्वायर माइनस के प्लस दो बराबर जीरो। तो देखिए इसका वर्क करेंगे तो क्या आ जाएगा, फोर के स्क्वायर, क्योंकि दो के का वर्क करेंगे तो क्या आ जाएगा, फोर के स्क्वायर माइनस, अब इसका भी गुणा हो जाएगा, चार का गुणा एक से करेंगे चार ही आएगा, अब इस पूरे ब्रैकेट के साथ में चार का गुणा कर दो तो चार के स्क्वायर आ जाएगा, चार का गुणांक माइनस के से होगा तो प्लस का फोर के आ जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है बाहर और अंदर भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। इसी प्रकार चार का गुणा दो से होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का आठ बराबर जीरो। अब देखो फोर के स्क्वायर प्लस का और फोर के स्क्वायर माइनस का ये कैंसिल हो गए, क्या बचा, चार के माइनस आठ बराबर जीरो। आपको के का मान पूछा है तो चार के बराबर क्या आ जाएगा, आठ, ये माइनस आठ इधर चला गया था क्या हो गया, प्लस का आठ, तो के का मान आ गया हमारे चार आठ बटा चार, यानी आठ में चार का भाग देंगे तो क्या आएगा, दो। तो उत्तर आ गया हमारा दो, यानी के बराबर दो होगा तो इस दीघा समीकरण के मूल वास्तविक और क्या होंगे, समान।